हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबंधित जितने भी महाविश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के यहाँ पे सामने आ रही है। क्या सामने अपडेट आ रही है कि आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। यूजी का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, फिफ्थ किसी का भी अभी डेट शीट नहीं आई है। बच्चे काफ़ी परेशान है कब तक डेट शीट आएगी। जो आपकी सेंटर लिस्ट है कहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं, वो यूजी के हों या पीजी के हों, वो क्लियर हो चुका है कहाँ आपके सेंटर गया है। ठीक है, वो भी मैं क्लियर दिखाऊंगा कैसे आप चेक कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक एक चीज़ें मैं कोशिश करूँगा सब कुछ क्लियर बता दूँ। ठीक है, जो अभी तक बच्चों आप लोग जो भी क्वेश्चन जो भी सवाल आपने पूछा है सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे। गले में थोड़ी खराश है, ठीक है, जुकाम टाइप का है, इस वजह से जो बोलने के जो फ्लो है थोड़ा धीरे होगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। उम्मीद करेंगे आप लोग समझोगे और समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इस वजह से आपको वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग को बताने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में विश्वविद्यालय में एडमिशन तो ले लिए हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर हो या फिर कोई भी हो, उसको बस बच्चे से पैसे लेने की जरूरत है भाई कि एडमिशन तुमने करवा लिया है, अब बस मैंने टाइम टेबल निकाल दिया, शेड्यूल निकाल दिया, अब देखना हो देखो, तुम्हारा मन मत देखो, पेपर तुम्हारा छूटेगा, विश्वविद्यालय चक्कर तुम लगाओगे, अप्लीकेशन तुम लिखोगे, मुझसे क्या मतलब। सब कुछ प्रॉब्लम, सब कुछ समस्याएं, तुम्हारा नुकसान होगा, नुकसान मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे आप और अगर आपका बैक हो गया तो मुझे और पैसा मिल जाएगा, एक बार और फॉर्म भरोगे, समझ रहे हो। इस सब चीज़ों से बचाने के लिए छात्र हित में लगातार टारगेट गुरुकुल काम करता है था करता रहेगा। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो, गले में खराश हो या कुछ भी हो, आपकी बिल्कुल भी अपडेट हो या इन्फॉर्मेशन हो, जो जरूरी है वो सब कुछ आपको दी जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आराम आराम से बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक बार ध्यान से वीडियो को देख लेना। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें पहले बताऊंगा, यहाँ पे देख लेना। जैसे मान लीजिए कि एमएससी और बीसीए और जो आप लोग के यहाँ पे किसके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमए के और एमएससी के, ठीक है, और यहाँ पे एमकॉम के, इन सभी बच्चों के जो आपके संस्थागत बैक पेपर और जो आपके यहाँ पे अंक सुधार के जो परीक्षा कार्यक्रम थे उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, समय में आगे पीछे किया गया। तो एक बार आप नोटिस डीडीयू में जाइएगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोग, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से सारी नोटिस देखी जाती है। तो यहाँ से आप आओगे तो मतलब यहाँ पे जैसे नोटिस का ऑप्शन है ना, विश्वविद्यालय पे आओगे, नोटिस पे क्लिक करोगे, जो भी यहाँ पे अपडेट रहती हैं वो यहाँ पे आपको अपडेट हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमए और बीबीए के जो और एमकॉम के जो सेमेस्टर एग्जाम के शेड्यूल में बदलाव हुआ है, यहाँ से है, यहाँ डाउनलोड करके अपना देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग का यहाँ पे क्या है कि जो आपका यहाँ पे सेंटर लिस्ट है वो कैसे देखोगे। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, विश्वविद्यालय के संबंधित महाविद्यालय के स्नातक एवं परास्नातक विषम सेमेस्टर सत्र 2023-24 की परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है, आपका अभी टाइम टेबल आया है या नहीं आया, लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है आपका सेंटर कहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो शेड्यूल होगा पूरा, जो टाइम टेबल होगा, कहाँ पे आपका सेंटर गया है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए कैसे आप देखोगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र है, मतलब यहाँ पे केंद्र कोड यानी जो कॉलेज का कोड आपका है वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, उससे मैच कर सकते हो। यहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र पूरा मेंशन है, ठीक है, और महाविद्यालय जिनकी परीक्षा संपन्न होनी है, यानी यहाँ पे वो कॉलेज रहेंगे जिसकी परीक्षा इस सेंटर में होगी। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, कला संकाय, इसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समस्त छात्र एवं छात्राएँ, कहाँ इनका पेपर होगा, इनका दीनदयाल विश्वविद्यालय डीडीयू में ही इनका सेंटर बनेगा। ठीक है, डीडीयू जितने भी छात्र हैं, वो आपकी छात्र हों या छात्राएँ हों, सबका जो होगा वो डीडीयू में ही आपका पेपर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि शांति देवी मेमोरियल जो महिला पीजी कॉलेज है, ठीक है, जो देवरिया में है, इसमें किसका जाएगा, तो इसमें समस्त छात्राएं जो शांति देवी मेमोरियल कॉलेज की हैं उनका जो सेंटर होगा वो उन्हीं के कॉलेज में बना है। ठीक है, इस प्रकार आप सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे से देखिए यहाँ पे लिखा है कि बबुआ जी स्नातक महाविद्यालय जो बच्चे हैं इनका सेंटर कहाँ बनेगा, इसमें किसका सेंटर है, बबुआ जी स्नातक महाविद्यालय के जो छात्राएं यानी जो लड़कियां रहेंगी उनका सेंटर है, समस्त छात्राएं यानी यहाँ पे खुदैजा बीबी मुख्तमू के जो बच्चे होंगे, राम राधिका महाविद्यालय के जो छात्र होंगे, इन सभी इन तीन कॉलेज का जो सेंटर गया है वो बबुआ जी स्नातक में गया है, समझ गए। तो उम्मीद करेंगे जो आपको बताने का तरीका है आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोग को। इस प्रकार से अपनी सेंटर लिस्ट आप चेक कर लीजिए, आप आराम से
अपनी देख पाओगे कहाँ पे आपका सेंटर गया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है सर, ये तो आपने क्लियर कर दिया। अब एक बड़ी अपडेट आपको और बतानी थी, जिसके लिए आप लोग काफ़ी परेशान हो कि सर यूजी का ये टाइम टेबल क्यों आने में लेट हो रहा है, क्यों बाबा विश्वविद्यालय ये जो शेड्यूल है इसको आगे पीछे कर रहा है। बता दें आप लोग को कि जो आपके बीच में यानी जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, वही बाबा जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वजह से शेड्यूल जो है वो आगे पीछे हो रहा है। ये विश्वविद्यालय अपने मन से शेड्यूल को आगे पीछे नहीं कर रहा है। क्यों? आपके पेपर बन चुके हैं, सेंटर निर्धारित हो चुका है, सब चीज़ें फिट हैं, टाइम टेबल भी रिलीज हो गया था, इसको चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि इसी बीच में आपके नेट GRF के एग्ज़ाम है, जो बच्चे BCom कर रहे हैं उनका CS CMS का एग्ज़ाम है, तो बच्चे जाके अप्लीकेशन दे रहे हैं कुलपति भवन में, मैम मेरा ये एग्ज़ाम है, इतने बच्चे सिग्नेचर करके जा रहे हैं कि 10 बच्चे 15 बच्चों का एग्ज़ाम लड़ रहा है, मैं कंपटीशन एग्ज़ाम को छोड़ूं या सेमेस्टर एग्ज़ाम को छोड़ूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो अच्छी बात है विश्वविद्यालय प्रशासन आपकी बातों को सुन रहा है और आपके अकॉर्डिंग अपनी डेट शीट को आगे पीछे कर रहा है। ठीक, उम्मीद करेंगे जो डेट शीट PGL बच्चों की आई है ये फाइनल डेट शीट है, इसी पर आपका एग्ज़ाम होगा। UG की जो डेट शीट है, जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया है, सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है मैं खुल के बात करूँगा, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो UG के और PG के हों, उनका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर मुझे दिख रहा है जनवरी फर्स्ट वीक में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो टाइम टेबल की बात करें, टाइम टेबल आपके एग्ज़ाम के 7 दिन पहले आ जाता है। ठीक है, तो मान चलिए अगर एग्ज़ाम आपका दिसंबर लास्ट में होगा, तो कम से कम 24 से 25 तारीख तक आपका टाइम टेबल आ जाना चाहिए। तो इस बात से निश्चिंत रहें, जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे हैं वो दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन वहीं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में जो UG बच्चे हैं, BA हो, BCom, BSc हो, उनका भी डेट शीट नहीं आया है। इनकी डेट शीट जो होगी ये 20 तारीख के आसपास आ सकती है, जैसा कि यहाँ पर सुर्खियों द्वारा पता चल रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों से हम यहाँ पर बातें की हैं, प्रोफेसर से बात करने के बाद यही लग रहा है कि 20 तारीख के आसपास आपका टाइम टेबल आ सकता है और उसी के आसपास 25 तारीख के आसपास आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सब कुछ निश्चिंत है, सब कुछ बन चुका है, कोई भी सोचने की बात नहीं है। एग्ज़ाम का टाइम टेबल कभी आएगा, एग्ज़ाम कभी भी शुरू हो सकता है, इसलिए आप लोग मान के चलो कि अगर आपका एग्ज़ाम 20 से शुरू है तो पढ़ाई को एकदम चरम सीमा पर करो, पढ़ाई में कोई लापरवाही मत करो। ठीक है, विश्वविद्यालय भी परेशान है क्योंकि एक बार शेड्यूल बनाएगा, फिर बच्चों की हित में फीस सोचेगा, फिर बदलेगा, फिर बनाएगा, फिर सोचेगा, बदलेगा, ये होता रहता है, ये हर साल का या DDU का ये पूरा प्रोसेस है एग्ज़ाम कराने का। ठीक, अगर इसी में फंसे रहोगे तो फिर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई अपडेट आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको टाइम से पहले आपको अपडेट हम कर देंगे। इस नोटिस बोर्ड पे नहीं आता है पहले, पता है पहले जो भी अपडेट रहती है पहले हमारे पास आती है, हम वेरिफिकेशन करते हैं, आपको बताते हैं, उसके बाद वेबसाइट पे जाती है। ठीक है, इस बात पे निश्चिंत रहे कि अपडेट की वजह से टाइम टेबल आया, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपको टाइम से पहले हम बता देंगे, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहो, बस पढ़ाई करो। ठीक है, एकदम आराम से बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से बता रहा हूँ आप लोग को, सीनियर होने के नाते आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से तैयारी किए रहोगे तो एग्ज़ाम कभी भी होगा आप लोग दे पाओगे। तो एग्ज़ाम होगा 25 तारीख के आसपास एग्ज़ाम आपके होंगे, उसके लिए हम तैयार रहो आप लोग। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपके 3 से 4 दिन पहले आता है एग्ज़ाम के, तो जब आएगा तो हम बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। अब दूसरी चीज़, अगर टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब नहीं की हो, ठीक है, तो जाके टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो बच्चे कर लें अच्छी बात है। यहाँ पे जो भी आपके BCom सेमेस्टर एग्जाम के इंपॉर्टेंट MCQ हो गया या फिर BA के हो गया, BSc के हो गया, सबके जो इंपॉर्टेंट MCQs है, थ्योरी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, कोर्स में नहीं इनरोल कर पाते हैं, उनके पास 100 रुपया 150 रुपया नहीं है, तो वो भी बच्चे आके टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से, जिस का नाम ये टारगेट सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर एग्ज़ाम को आसान बनाने के लिए, जो विश्वविद्यालय को आपको इम्प्रूवमेंट का फॉर्म ना भरना पड़े, बैक पेपर का फॉर्म ना भरना पड़े, विश्वविद्यालय का जो यहाँ पे नज़रिया है उसको बदलने के लिए आप लोग को टारगेट सेमेस्टर बनाया गया है। इसमें कंप्लीट BA BCom BSc का हम इम्पोर्टेंट MCQ करा रहे हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो पर सपोर्ट करिए, जितना अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे, हमारा जो टीम होगा, फैकल्टी होगा, और मोटिवेशन के साथ और आपको पढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे जो ये आपका टारगेट सेमेस्टर, इसको आप लोग काफ़ी पसंद करोगे। और बता दें, अगर अधिक जान अगर आपको प्रिपरेशन करनी है फर्स्ट सेमेस्टर की, आपका LLB कोर्स हो या फिर आप लोग का BA हो, BCom हो, BSc फर्स्ट सेमेस्टर हो, तो जूलॉजी बॉटनी से हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ से आके देख सकते हो। कुछ लिमिटेड कोर्सेज हमने रखा है इस बार, ठीक है, आपका सेकेंड सेमेस्टर और आपका फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में उम्मीद करेंगे काफ़ी और बेहतर किया जाए। ठीक है, तो और अधिक आपके मन में कोई डाउट है तो यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन है। ठीक है, मेन बताने का मोटिव हमारा यही है कि यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से और यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ पे आके अपने कुछ भी सवाल पूछ सकते हो,
जो भी मन में आपके डाउट है ना, जो शंका है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ से हेल्प आप मांग सकते हो। एक लास्ट चीज़ बताऊँगा आप लोग को कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर का। अब जो बच्चे अपने माइनर सब्जेक्ट में से आपका दीनदयाल उपाध्याय इंट्रोडक्शन हो गया, नाथ पंथ हो गया, राष्ट्र गौरव हो गया, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधे आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर पे क्लिक करोगे तो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर अपडेट हम कर रहे हैं, एक दो पीडीएफ अपलोड हो चुकी है और अपलोड कर देंगे, परेशान मत हो, वहाँ से पढ़ाई करो, ठीक है। अगर पेड कोर्सेज चाहिए तो पेड कोर्सेज पे क्लिक करोगे, पेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ से। उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो हम बताना चाहते थे आपको बता दिया हमने, ठीक है। कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन अभी आ नहीं रही, आपके टाइम टेबल कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आप लोग काफ़ी परेशान हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बोलोगे जब टाइम टेबल आएगा तभी मैं पढ़ूंगा। तो विश्वविद्यालय का क्या है, वो कल एग्जाम कराने वाला है, आज आपका एडमिट कार्ड दे देगा, तो एडमिट कार्ड निकाल के खूब तैयारी करो ना, खूब पूछो विश्वविद्यालय से क्यों एग्जाम पहले करा दिए। वो तो पहले बोला कि भाई मैं कराऊंगा आपको 19 तारीख से एग्जाम कराऊंगा, 20 तारीख से एग्जाम कराऊंगा, आप लोग तैयारी कर लो ना अपनी, फिर हम हैं आपको टाइम से पहले बताने के लिए। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहो, चैनल पे हो, विश्वास रखो, भरोसा रखो, समय से पहले आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, जाके टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बाकी किसी भी चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।